हैप्पी माहौल है, पर इस हैप्पी माहौल में भी सौम्या बहुत उदास है, क्योंकि वो फिर सोच रही है कि कैसे वो किसी भी तरीके से अपने घर कॉन्टैक्ट कर सके, हरमन जी से कॉन्टैक्ट कर सके। और लकी उसे टेलीफोन बुक दिखता है और वो चाहती है फटाक से, जैसे ही फ़ोन लगाती है वो लोग उसे वापस कर देते हैं। इससे कोशिश तो काफ़ी अच्छी की थी आपने, लेकिन पकड़ी जाती है वैसे ही आप इतना, मतलब वो था ना बेताल की तरह सब मेरे सर पे मंडरा रहे हैं, तो मुझे मौका ही नहीं देते मैं किसी भी तरीके से अपने फैमिली से कॉन्टैक्ट कर सकूँ। कुछ भी पता है कि फैमिली में वहाँ कुछ क्या चल रहा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है? कुछ भी नहीं पता, मैं इतना तरस चुकी हूँ सबको देखने के लिए, माँ कैसी हैं, छोटी कैसी है, हरमन जी को तो ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बट ये लोग किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करने ही नहीं देते हैं। तो क्या लगता है गुरु माँ क्या हश्र होगा अब आपका, बिकॉज काफ़ी वार्निंग्स आपको मिलती रहती है गुरु माँ से? मतलब इस बार पकड़ी गई ना तो गुरु माँ तो मुझे मतलब काले पानी की सज़ा दे देगी, क्योंकि अभी ढेरों सारे कपड़े तो धुलवा दिए, कमरे में बंद भी करवा दिया, बिना खाने मतलब बिना खाना पीना और पानी के बिना भी रख दिया, अब तो सीधा काले पानी की सज़ा मिलने वाली है, बस वही रह गई हूँ। सौम्या इतनी परेशान है हरमन के लिए, शायद इतना ही परेशान हरमन भी है सौम्या के लिए, और आज उसकी काफ़ी पिटाई भी हुई है गुंडों से। आपके साथ इन्फॉर्मेशन मत दो, हॉस्पिटल लेकर जाओ उनको, यहाँ बैठे बैठे मेरा खून जला रहे हो आप। कुछ कहना चाहेंगे हरमन जी? जहाँ कहीं भी है अब तो पिट चुके हैं, तो पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद प्लीज जल्दी लेने आ जाइए, वरना आप उनसे पिटेंगे। थैंक यू, थैंक यू।